अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों और आप सबकी दुआ के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कपड़े दिखाऊंगी जो कि मेरे बच्चों के नहीं, मेरी देवरानी के बच्चों के हैं। ये ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक स्लीव एम्ब्रॉयडर्ड थी और दूसरी उसमें से बांध नहीं रही थी। ये कमीज़ का घेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। गला है जिसका पैच अलग से था, उसने घर में खुद से ही लगाया। ये देखें कितनी सफाई से लगाया। ये कमीज़ की स्लीव है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये देखें। और दूसरी स्लीव पे फिर वो लेस मैच करके उसने उस कलर के साथ की दूसरी बाजू बनाई है। इस तरह ये दोनों बाजू में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है। ये इसके साथ की शलवार है वाइट कलर की, उस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये सूट कम्प्लीट हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये टीपिंग सा कलर है, ये भी ऑनलाइन मंगवाया था और इसमें से भी स्लीव नहीं बने, इसलिए एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ना उसमें से बने ना इसमें से। ये कमीज़ का बॉर्डर है, इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये सादा कपड़ा लगा के गला बनाया और गले के ऊपर आपकी अपनी मर्ज़ी है, टसल लगाएं, बटन लगाएं, ये उसने फूल लगाए हैं छोटे छोटे, ये देखें। कमीज़ के साइडों पे कुर्ते की तरह ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये है। ये कमीज़ की शलवार है इसके साथ स्किन कलर की, इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है गोल्डन कलर की। ये इसके स्लीव है, फिर उसने उसकी बैक साइड पे जोड़ डाल के इसके साथ की गोल्डन कलर की लेस लगा के स्लीव जो है वो पूरे किए। चलें जी, ये सूट भी कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है माशाल्लाह, पहन के भी ब्राइट हो जाए और ब्राइट करें, फिर हर चीज़ को ब्राइट कर दे। अच्छा जी, इसने इसके ऊपर शिटल की बारीक सी लेस लगाई है, ये देखें प्यारी लग रही है। ये इसने मगजी वाला गला बनाया पाइपिंग लगा के, ये देखें। अभी ये स्टिचिंग जो है वो सीख रही हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह सूट प्यारे स्टिच किए हैं, ये देखें। ये इसके स्लीव है और लेस लगाई है जो कि इसके साथ बहुत ही सूट कर रही है। ये शर्ट पीस ही था, शलवार इसने अलग से कपड़ा लेके खुद मैच की है। ये दुपट्टा है वाइट और शर्ट के साथ का मैच करके साथ सीढ़ी लेस लगा के दुपट्टा कंप्लीट हो गया और पीको करवाई है। ये जी उसकी छोटी सिस्टर का, ये मलाई लेस लगाई है, जिसे मलाई लेस बोलते हैं, वो पता नहीं शीटल लेस बोलते हैं। ये लेस लगा के उसकी दो राउंड में लगाई थी, इसकी एक ही लगाई है क्योंकि छोटी बच्ची का, और साथ टसल लगा दिया, पाइपिंग लगा के गले में टसल लगा दिया। इसके बाजुओं पे छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं बारीक से, तीन प्लेट्स डाल के आगे लेस लगा दिया। शलवार में सीधी लेस लगा के पांचे से थोड़ा सा ऊपर और शलवार भी कंप्लीट। नेक्स्ट माशाल्लाह, ये सूट भी बहुत प्यारा है, पर्पल और वाइट, और इसके ऊपर जो लेस लगाई है वो नेट की लेस है जो चुभने वाली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये रिबन से फ्लावर लगा के ऊपर छोटा सा स्टोन लगाया, ये देखें गले पे, और इसकी पेटी के ऊपर आके ये लेस लगा दिया। ये इसकी स्लीव है, स्लीव पे भी आगे लेस लगाई है। ये इसका पजामा है, पजामे के पांचों पे वही जाली वाली लेस लगाई है। चलें जी, नेक्स्ट सूट है। ये आप कहेंगे कि ये क्या स्क्वायर सा बना दिया ये सूट, इसका प्रिंट और इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारी है। ये इसके साथ की सादी शलवार है और उसके ऊपर उसने तीन प्लेट्स डाल के बारीक से उसके साथ शलवार रेडी की है, ये देखें जी। ये लुक है इसकी माशाल्लाह, इसको आठ कोनों वाला या दस कोनों वाला फ्रॉक कह लें। नेक्स्ट चलें जी, ये देखें,
ये जेंट्स फटी, अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो इस तरह से घर में बना सकते हैं। ये उसने खुद ही स्टिच की है, टेलर से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद आती हो, नहीं आती तो बंदा वक्त के साथ सीख ही लेता। ये अगला सूट है, इसके ऊपर 3 प्लेट्स डाले हैं, 1.5 इंच के 2 इंच के फासले पे फिर 3 प्लेट्स डाले हैं, ये देखें, और फटी के ऊपर पाइपिंग लगाई हुई है। अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अपने और अपने बच्चों के कपड़ों की वीडियो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।